मिस मार्वल के सारे एपिसोड देखने के बाद जब पोस्ट क्रेडिट सीन आया और जब हमारी कमाला खान कैरल से टेलीपोर्ट होती हैं और तब उनका जब मैंने लुक देखा तो भाई लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ, ओह यार यार ये कितनी ऑसम है यार। बट कोई नहीं, मिस मार्वल का एपिसोड खत्म होने के बाद सबके मन में यही सवाल था कि जो एक सेकंड कंगन है वो कहां पर है, और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज भी आई थी वो मैंने एक वीडियो में बनाया था, तो अगर आपको वो वाला देखना है वीडियो तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दी मार्वल से रिलेटेड काफी बड़े स्पॉइलर के बारे में। मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि अगर आपको ये स्पॉइलर नहीं जानना है तो आप इस वीडियो को अभी तुरंत छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। अच्छा ठीक है, समझ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मिस मार्वल में सेकंड कंगन का जिक्र हुआ था, बट वो कहाँ है अभी तक इसका पता नहीं चला है। बट आप चिंता मत करिए, वो दिन ज्यादा दूर नहीं, आपको साल 2023 में दी मार्वल्स में पता चल जाएगा कि सेकंड कंगन कहाँ है। पर इतना वेट क्यों करना, मैं हूँ तो आपको बताने के लिए कि सेकंड कंगन किसके पास होगा और क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात, दी मार्वल्स मूवी देखने से पहले आपको देखनी पड़ेंगी दो सीरीज, एक तो वांडा विजन और दूसरी मिस मार्वल। वांडा विजन देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें मोनिका थी, उसको पावर कैसे मिली और वो दी मार्वल्स में उड़ कैसे रही है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको वांडा विजन देखनी पड़ेगी। और उसी के साथ मिस मार्वल का कॉस्ट्यूम कैसे चेंज हुआ, वो टेलीपोर्ट कैसे हो रही है और उसके पास कंगन कहाँ से आया, तो वो सब देखने के लिए आपको मिस मार्वल देखनी पड़ेगी। चलिए अब आते हैं दी मार्वल्स के प्लॉट की तरफ। तो दी मार्वल्स का जो प्लॉट है वो एक टेलीपोर्ट और थोड़ा टाइम को लेकर और थोड़ा गैलेक्सी को लेकर बनाया गया है, और आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो प्रॉपर एक स्पॉइलर है। इस मूवी में जो मेन कास्ट होने वाली है वो मोहन कपूर यानी कि मिस मार्वल के फादर, उसके बाद कैरल डेनवर्स, उसके बाद मोनिका, फिर निक फ्यूरी और इस मूवी के मेन विलेन यानी कि हमारी डार्विन। डार्विन को सबसे पहले दिखाया गया था सिल्वर सर्फर की वॉल्यूम 3 में 1991 में, और ये कैरेक्टर तब से काफी ज्यादा चर्चा में रहा है कॉमिक बुक फैंस के लिए, और अब हमें ये लाइव एक्शन में मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग मूवी दी मार्वल्स में देखने को मिल रहा है। अब डार्विन जो कैरेक्टर होने वाला है एक्चुअली में उसी के पास होगा सेकंड कंगन, और वही कैरेक्टर चाहता है कि उसको दूसरा कंगन चाहिए, और वो किससे मिलेगा, वो मिलेगा कमाला खान से, और कमाला खान की जान बचाने के लिए यहाँ मोनिका और कैरल दोनों रहेंगी। पर मूवी की स्टार्टिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस में होती है जो कि आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि जब कैरल लड़ती है क्री से एक अनजान प्लेनेट पर, तो तुरंत ही वो टेलीपोर्ट हो जाती है कमाला खान से, और वो पहुंच जाती है उसके रूम में, और कमाला खान पहुंच जाती है क्री के प्लेनेट पर, और वहां पर वो अचानक उनसे घबरा जाती है और लड़ने लग जाती है। पर कैरल यहाँ पे काफी ज्यादा चिंता में होती है कि मैं यहाँ कैसे पहुंची अचानक से। बट होता जैसे ही है कि जैसी कैरल फिर दोबारा से अर्थ से उस प्लेनेट पे जाने के लिए उड़ती है तो तुरंत ही वो टेलीपोर्ट हो जाती है मोनिका से। अब मोनिका को तो उड़ना नहीं आता है, तो मोनिका एकदम हवा में होती है और गिरने की कगार पे आ जाती है, बट वहां पर ही मोनिका को मिलती है अपनी न्यू पावर उड़ने की। तो हाँ, हमें दी मार्वल्स में आपको मोनिका की न्यू पावर देखने को मिलेगी जिससे कि उड़ सकती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी 2 से 3 बार कि जब वो एक दूसरे को बिना बताए बिना किसी रीजन के स्विच कर रहे हैं, बट इसका सॉल्यूशन वो आने वाले टाइम में निकाल लेते हैं, और कमाला खान कैरल और मोनिका तीनों मिलते हैं टुगेदर और इस चीज की सॉल्यूशन निकालते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, हम टेलीपोर्ट क्यों हो रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं रीजन होता है मूवी का मेन विलेन डार्विन। अब डार्विन कैसे कंफर्म हुआ और कौन इसका कैरेक्टर प्ले करने वाला है, तो आपको बता दूं कुछ रूमर्स और सूत्रों के मुताबिक इसका कैरेक्टर प्ले करने वाली है ब्रिटिश एक्टर एस्टन। अभी रूमर है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, और सभी जानते हैं कि ये फीमेल फोकस मूवी होगी तो फीमेल तो विलेन होने वाला है, तो एस्टन इसका कैरेक्टर प्ले करने वाली है रूमर के अकॉर्डिंग। मैं अपनी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूं। और खबर ये भी आ रही है कि जब इनको सेकंड कंगन मिल जाएगा मिस मार्वल से, तो ये एक दरवाजा खोलेंगी। अब वो दरवाजा क्या करता है, कहां पर वो एंटर करने वाली है या किसको बुलाने वाली है, अब ये पूरा प्लॉट रिवील नहीं हुआ है। तो कुछ इस टाइप का है दी मार्वल्स का प्लॉट। और आप सबको तो पता चल चुका होगा कि मिस मार्वल का सीजन 2 भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, मार्वल स्टूडियो के अंदर वो इन प्रोडक्शन में है, उसकी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। तो यानी कि स्टोरी अभी भी यहीं खत्म नहीं हुई है, सेकंड कंगन मिलने के बाद शायद कुछ बड़ा हो। बाकी आपका क्या मानना है इस प्लॉट को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और उसी के साथ अगर आपको टेंडिंग्स की थ्योरी वाली वीडियो देखनी है तो आपको राइट हैंड की तरफ दिख रही होगी, और जाते जाते मैं थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा सा लाइक भी दबा देना, और मन ना भरे तो थोड़े कमेंट भी कर देना।